Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. My dear student, class 12th history. As you know that nowadays we are discussing your board paper and revision test both. So we have completed the one marks question. My dear student, एक बात मैं आप सभी को ये याद दिला दूँ कि हम लोगों ने one marks के question के जो 16 questions थे उन सारे questions को हम लोगों ने पढ़ा. साथ ही साथ उन question के साथ साथ और भी जितने question आ सकते हैं, बन सकते हैं board के, उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने एक साथ करने का प्रयास किया और उस पर हम लोगों ने बातें की, डिस्कस किया कैसे उसको फ्रेम करेंगे, अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे राइट करेंगे, इन चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की. आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू माय डियर स्टूडेंट. आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विच इज कनेक्टेड विद पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन योर बोर्ड पेपर. व्हाई आई एम सेइंग the corrected paper discussed by me, because what I observe in the board paper last 5 or 10 years, if you will also observe, then you will find ki usi prashn ke aas paas se hi prashn banaye gaye hain aapke liye. To ye sabse jaruri ho jata hai ki hum jab question pe baat kare, board ke question ki baat kare, revision test pe baat kare, to hum un cheezon ko bhi saath saath leke chale jo baad mein aapke liye helpful ho, आपको वहां से क्वेश्चन बने तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सके. तो हमने इसका ध्यान दिया, हम लोगों ने इन चीजों पे भी चर्चा की. वी डिस्कस अबाउट दीज ऑल द टॉपिक्स विच इज कनेक्टेड विद पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई होप कि आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा. अब आइए आज से हम शुरू करेंगे आपके पेपर का अगला सेक्शन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन. एज यू नो दैट कि 4 क्वेश्चन होते हैं जो 3 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में होते हैं जो 3 मार्क्स के होते हैं. 3 नंबर की अगर आप 3 पॉइंट्स लिखते हैं सेंटेंस में पूरे, तो यहाँ पे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे. तो जब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हम कुछ चीजों को देखेंगे. चलिए पहला ही क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर का, 4 नंबर के क्वेश्चन में है. ये कहता है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द लेआउट डिजाइन ऑफ द ग्रेट बाथ ऑन द सिटेडल इन मोहनजोदड़ो. चलिए बात करना है मोहनजोदड़ो की. क्वेश्चन है आपका ये 21. मोहनजोदड़ो के लेआउट एंड क्वेश्चन है आपका क्या, कहता है कि एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द लेआउट डिजाइन ऑफ द ग्रेट बाथ. लेआउट डिजाइन ऑफ ग्रेट बाथ. चलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हम ग्रेट बाथ पे बात करेंगे. ग्रेट बाथ, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में एक संरचना मिली, एक स्ट्रक्चर मिला जो ग्रेट बाथ का, जो कि सिटेडल के अंदर था. सिटेडल के अंदर एक चौकोर आकार का सीढ़ियों युक्त एक कुंड मिला, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि दिस इज ग्रेट बाथ. ये ग्रेट बाथ था.
Yes, breath snanagar tha. This was used by ritual purpose. धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा, ऐसी मान्यता इतिहासकारों ने दी. Perhaps the most imposing construction of the Indus Valley, the Great Bath at Mohenjo-daro. It consisted of a large open quadrangle and the center with the veranda. My dear student, galleries and rooms on all sides. In this center is swimming pool, which measure 20 meter in length, 8 meter in breadth and 2.4 meter in depth. कहता है कि जो ग्रेट बाथ था वो कहता है कि कितना बड़ा है, उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी कितनी है. तो कहता है ज्यादा नहीं, कहता है कि 12 मीटर लेंथ एट मीटर डेप्थ 8 मीटर 12 मीटर 8 मीटर एंड देन आफ्टर 2.4 मीटर अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि माय डियर द ग्रेट बाथ इट वॉज सिचुएटेड इन सिटेडल पार्ट 12 मीटर इन लेंथ 8 मीटर इन ब्रेथ एंड 2.4 मीटर इन डेप्थ. मतलब कहता है कि ये कैसा है, ये करीब 12 मीटर है लंबाई, कहता ये कहता है एक ये वाली इट मींस 12 मीटर इन लेंथ, कहता है 8 मीटर जो इसकी नॉर्थ साउथ है, और कहता है गहराई कितनी है, तो कहता है 2.4, कहता है लगभग 2.5 मीटर गहरा, 8 मीटर चौड़ा और करीब करीब 12 मीटर लंबा एक ग्रेट बाथ की संरचना, एक ऐसी संरचना मिली, एक कुंड की संरचना मिली जो वहां स्नान करने के लिए बनी होती थी. इट वॉज सिचुएटेड इन वेयर द सिटेडल इट मीन्स फोर्ट में अपर पार्ट सिटेडल में मिला, ऊपरी हिस्से में मिला. और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसका यूज क्यों होता था, इसके लिए विद्वानों ने अलग अलग बातें रखी. इट वॉज जस्ट ए लार्ज ओपन द क्वाड्रेंगल एंड देन आफ्टर माय डियर स्टूडेंट द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ दिस ग्रेट बाथ वारंदा इज अवेलेबल देयर, गैलरी वॉज देयर, रूम्स वर देयर एंड द स्टेयर्स. आप देखेंगे कि अगर उसकी संरचना को देखें तो ग्रेट बाथ में दो तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं नीचे उतर के नहाने के लिए. इसीलिए एक इतिहासकार गाल्टोन ने कहा कि इट इज अ स्विमिंग बाथ ऑन द स्केल विच वुड डू द क्रेडिट टू अ मॉडर्न द सी साइड होटल. द सॉलिड नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रूव्ड बाय the fact that it has been strong enough to last for 5000 years. कहता है कि कुछ ज्यादातर कहते हैं कि ये एक तरीके से रिसॉर्ट की तरह रहा होगा, किस तरीके से इनका यूज किया जाता होगा. तो चलिए ये एक कॉमन चीजें हुई ग्रेट बाथ के ऊपर. चलिए मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं, बताता हूं ग्रेट बाथ की स्पेसिफिक क्वालिटी क्या थी. ये एक लार्ज क्वाड्रेंगल है, लार्ज क्वाड्रेंगल ओपन खुला हुआ है, लार्ज ओपन क्वाड्रेंगल एरिया में है, इसके किनारे बारंदा है, गैलरी बनी हुई है, छोटे छोटे कमरे हैं, रूम्स हैं, और फिर ये
दो तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई 12 मीटर ये लंबा, 8 मीटर चौड़ा और करीब 2.5 मीटर 2.4 मीटर ये गहरा है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि द ग्रेट बाथ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट अपर टाउन एट मीन सिटी टन। फोर्थ पॉइंट, द ग्रेट बाथ कनेक्टेड विद द प्रॉपर डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। आई मीन टू से दैट द वाटर ड्रेन इन द वेयर द आई मीन टू से दैट की जो किनारे बनी हुई नालियां थी उससे पानी बाहर निकल जाती थी, कुएं बने हुए हैं। एंड देन आफ्टर द सिचुएटेड विद ग्रेट बाथ द काउंसिल हॉल एंड द प्रीस्ट हाउस वाज आल्सो सेटल्ड देयर, बना हुआ है। तो इस तरीके से इसे हम ग्रेट बाथ क्यों कहते हैं और रिलीजियस पर्पज से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एक मान्यता है कि ग्रेट बाथ के साथ साथ दो तीन चीजें और मिली। क्या क्या मिली, कौन कौन सी चीजें? तो कहता है सबसे महत्वपूर्ण काउंसिल हॉल, प्रिस्ट हाउस, सभा मंडप, प्रिस्ट हाउस पुरोहित का आवास, ग्रेनरी एक गोदाम अनाज रखने के लिए, और यहां पे क्या मिले, कुएं मिले। कुएं के भी एविडेंस मिले। तो यहां पूरी तरीके से आपको लेआउट समझना आपको दिख गई। मैंने आपसे कहा इसका रिलीजियस पर्पज क्यों रहा होगा, क्योंकि ग्रेट बाथ के पास ही आपको क्या दिखा, ग्रेट बाथ के नजदीक आपको काउंसिल हॉल दिखी, ग्रेट बाथ के पास ही आपको ग्रेनरी दिखा, ग्रेट बाथ के पास ही आपको प्रिस्ट हाउस दिखा, ग्रेट बाथ में प्रॉपर रूम्स थे, बरामदा थे, और बरामदा के बाद छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, स्नान करने के लिए नीचे जाने के लिए एक सीढ़ियां बनी हुई है प्रॉपर वे से। इट मीन्स जस्ट लाइक ए फॉर द रिचुअल बाथ इट वॉज यूज, सो दैट्स वाई आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द ग्रेट बाथ यूज फॉर रिलीजियस पर्पज आर रिचुअल पर्पज। ओके, देन आफ्टर द पीपुल दे रीच देयर दे टूक बाथ एंड देन आफ्टर दे सैट कहाँ पे, काउंसिल हॉल में, क्या करने के लिए, पृष्ठ के उपदेश सुनने के लिए करते होंगे, कुछ दान करते होंगे जो ग्रीनरी में जमा होती थी। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू दैट ग्रीनरी वॉज ऑल्सो फाउंड इन हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो। हरप्पा द ग्रीनरी वॉज स्टेब्लिश, the granary was what built up in the lower town, ravi nadi ke baaye tat pe hi sata hua lower town mein granary mila, wahan pe dhan ke jo wahan se chote chote kya mile, aapne gaon mein dekha hoga ki dhan ko kootne ke liye ek bana hota hai lakdi ka ek pendulum ki tarah se, ya aise kahe ki jisse dhan ko phodte hain dana nikalne ke liye, तो वो वहां बना हुआ है। इट मीन्स वहां पे धान को चावल में कन्वर्ट करके, मतलब धान से चावल बना करके उसको बाहर उसको स्टोर किया जाता था या बाहर भेजा जाता था। लेकिन मोहनजोदड़ो में चावल फार्म में, एक्चुअल फ्रेश फार्म में चावल मोहनजोदड़ो की ग्रेनरी में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई ना कोई धार्मिक उद्देश्य जरूर रहा होगा। ये क्वेश्चन है लेआउट का। इस क्वेश्चन से कनेक्टेड और भी क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आइए उन पर भी बात कर लेते हैं। अब यहां से आपको कई सारे प्रश्न दिखेंगे, जैसे क्या मैं आपको बताता हूं। यहीं से हम एक चीज पे और बात कर लेते हैं, टाउन प्लानिंग, इंडस की टाउन प्लानिंग कैसी थी। टाउन बार बार बोर्ड में पूछा गया है टाउन प्लानिंग, कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे महत्वपूर्ण चीज टाउन प्लानिंग में आप क्या लिखेंगे, जब भी टाउन प्लानिंग लिखें तो पहला आप लिखेंगे कि ऑल द ओके, इट मीन्स ये हुआ सिटेडल और ये हुआ लोअर टाउन। ये
ऐसी संरचना कहां कहां की थी? ऐसी संरचना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, की संरचना ऐसी थी, मतलब पूरा का पूरा नगर एक दीवार से घिरा हुआ है और लोअर टाउन और अपर टाउन को भी डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। माय डियर स्टूडेंट, यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं। पूरा नगर दो पार्ट में बांटा गया है, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन वेस्ट में है, लोअर टाउन हमेशा ईस्ट में बना हुआ है। इसके अलावा लोअर टाउन नीचे है, अपर टाउन एक छोटे से माउंट बनाया गया है। दोनों फोर्टिफाइड है, इट मीन्स चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है। ऐसी संरचना के अलावा एक दूसरे तरह की संरचना भी है, जैसे कालीबंगा। कालीबंगा ऐसी संरचना है, अपर टाउन लोअर टाउन फोर्टिफाइड है, लेकिन दोनों सिटेडल भी और लोअर टाउन भी क्या है, फोर्टिफाइड है, अलग से उनको दीवारों से घेरा गया है। इसके अलावा तीसरी संरचना आपको दिखेगी, वो धौलावीरा, जहां पे तीन पार्ट में नगर बना हुआ है। एक्सेप्शनल केसेस है धौलावीरा का, जहां पे धौलावीरा के नगर तीन पार्ट में बटे हुए हैं, इट मींस अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन, तीन पार्ट में नगर धौलावीरा का बसा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे नगर हैं जो फोर्टिफाइड नहीं थे, जैसे चनहुदो, चनहुदो फोर्टिफाइड ही नहीं है, उसके चारों तरफ दीवार नहीं है। माय डियर, व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज द एग्जांपल। फर्स्ट आप जब भी लिखें इनके आधार पे आप एक्सप्लेन करें, पहला पॉइंट कि आप स्ट्रक्चर को बना करके बता दें कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दैट वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर पार्ट इज कॉल्ड सिटेडल एंड लोअर पार्ट इज लोअर पार्ट। अपर पार्ट इट मींस टू अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट दैट कि इट वाज द एरिया वेयर द रॉयल पीपल्स आर द एडमिनिस्ट्रेटर हु लिव्ड, ऑफिशियल्स आल्सो लिव्ड देयर। द बिल्डिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग यू कैन नॉट कैटेगराइज दैट दिस पार्ट इज अपर पार्ट एंड दिस पार्ट इज लोअर पार्ट बिकॉज द बिल्डिंग इज सेम इन बोथ सेक्शन। But the upper part that was fortified and this part the separate with the wall and where the gate is also available. दोनों के बीच एक एंट्री गेट लगी हुई होती थी। पहला पॉइंट आप इसके साथ लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है। और एक जगह सिटेडल हर तरफ वेस्ट में ही है, नगर हर तरफ वेस्ट में ही है, नगर हर तरफ वेस्ट में ही है। तो हमेशा आपसे वन मार्क्स ऑफ क्वेश्चन बोर्ड पूछता है कि सिटी या सिटेडल डेवलप इन विच सेक्शन ऑफ द फोर्ट, तो आप लिखेंगे इट वाज सिचुएटेड इन द वेस्ट पार्ट, पश्चिमी हिस्से में। अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, अब ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि डेवलप रेनेस सिस्टम, डेवलप ड्रेनेज सिस्टम थी वहां पे, या सीवेज सिस्टम भी आप लिख सकते हैं। ड्रेनेज को आप सीवेज भी, क्योंकि आप देखिए आपके बुक में स्पष्टली दिखाया हुआ, पेज नंबर पे आप चेक करेंगे तो आपको धौलावीरा का एक बड़ा सा आपको इनाल साइट ड्रेनेज सिस्टम दिखाएगा। देन आफ्टर थर्ड आप क्या लिख सकेंगे, थर्ड स्ट्रीट्स, या लिखिए ग्रैंड पथ,
स्ट्रीट्स, वर कटेड और 90 डिग्री. थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कहता है कि जो सड़कें और गलियां हैं वो 90 एंगल पे ही काटती हैं. 90 एंगल मींस ऐसे. कोई भी ऐसी गली आपको नहीं मिलेगी जो कहीं भी आपको 90 एंगल के अलावा काटे. ऐसा नहीं है कि आपको क्या मिलेगा इस तरीके से संरचना के अलावा मिलेगा. दैट इज कॉल्ड ग्रीड पैटर्न. आप इसे भी देख सकते हैं, ग्रीड पैटर्न. इट वॉज स्टेब्लिश ऑन ग्रीड पैटर्न. ग्रीड पैटर्न आज का न्यूयॉर्क शहर ग्रीड पैटर्न पे ही बना हुआ है. तो आप इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं. ब्रिक्स की साइज लिख सकते हैं. हाउसेस, आप हाउसेस को भी एक्सप्लेन करिए. ब्रिक्स की साइज को एक्सप्लेन करिए. शॉप्स को एक्सप्लेन करिए, दुकान जो थी. उसके अलावा आपने हाउसेस, ब्रिक्स, शॉप, ड्रेनेज सिस्टम, सिटेडल, अपर टाउन, लोअर टाउन और ये फोर्टिफिकेशन की बात करके आप टाउन प्लानिंग को अच्छे से समझा सकते हैं. तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है टाउन प्लानिंग की, जिसके बारे में आप इजीली आसानी से अपनी बातों को कह सकते हैं. और इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. यस, वन मोर थिंग इज ग्रेनरी को भी आप एक्सप्लेन करिए. ग्रेनरी क्या थी? मैंने आपसे कहा कि ग्रेनरी दोनों जगह थी, अपर टाउन और लोअर टाउन दोनों जगह ग्रेनरी के एविडेंस मिले हैं. तो यहां पे आप इन दो प्रश्नों को, टाउन प्लानिंग को भी आप समझा सकते हैं. चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर आपका है 22. क्वेश्चन नंबर 22. अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पेपर क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड इब्न बतूता. ओके, तो इब्न बतूता पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है. हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं. 23 है, एक्सप्लेन एनी थ्री चेंज ब्रॉट इनटू द कॉलोनियल सिटी आफ्टर द रिवोल्ट 1857. ये भी चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो हम कॉलोनियल सिटी पे भी बात नहीं करेंगे. अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एग्जामिन मेन फीचर ऑफ द टाउन ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री. ये भी मिडिवल पीरियड की बात करता है. ये क्वेश्चन भी आपके कॉलोनियल पीरियड से ही कनेक्टेड है, थोड़ा सा पहले चल के. अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब गांधी जी एज ए सोशल रिफॉर्मर. वेरी गुड. डिस्क्राइब गांधी जी एज सोशल रिफॉर्मर. गांधी जी एक सोशल रिफॉर्मर थे. व्याख्या करिए, एक्सप्लेन करिए. चलिए क्वेश्चन है आपका गांधी जी, आंसर क्या होगा इसका? आंसर जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यस, गांधी जी वाज सोशल रिफॉर्मर बिकॉज he focused because
बिकॉज ही फोकस या बिकॉज ही कंसंट्रेट ही कंसंट्रेटेड द कंडीशन ऑफ किसका किसका फर्स्ट डिप्रेस्ड क्लास इट मींस दलित Women's, women and their education. Third. Muslims and their social development. लिखे कंट्री साइड मैन या एग्रीगेरियन सोसाइटी लिखी एग्रीगेरियन सोसाइटी. अब इन चारों को एक्सप्लेन कर दीजिए, आप आसानी से ये बात प्रूफ कर देंगे कि ये गांधी जी किसके थे, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में. चार पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए, इन चार पॉइंट्स को जैसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा इन चार पॉइंट्स के अलावा और भी क्या चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे आप इनमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह विच इम्फेसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. अब यहां पे गांधी जी की दो पॉलिसीज को भी बता दीजिए. पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड ऑफ ट्रूथ. सत्याग्रह क्या किया, इनके वीपन्स को बताया और साथ ही साथ अब यहां जुड़ी एक और क्रिएटिविटी. क्रिएटिव वर्क यहां पे आप पांचवा भी लिख सकते हैं, वीक सेक्शन ऑफ इकोनॉमी की इकोनॉमिक सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी गांधी जी ने ध्यान दिया. अब इन पांच पॉइंट्स के आधार पे, इन चीजों के आधार पे इसका आंसर लिखने का प्रयास करिए. जैसे मैं बताता हूं, कहता है आप सिंपली पहले ये बताइए कि महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह विच इम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ. गांधी बिलीव दैट थ्रू नॉन वायलेंस सत्याग्रह कुड विन बैटल अगेंस्ट द I mean to say that कि अब गांधी जी यहां पे एक बात और कह रहे हैं कि अगर नॉन वायलेंस को फॉलो किया जाए सत्याग्रह में तो अपने अपोजर्स को हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं. गांधी स्पेंट पार्ट ऑफ ईच डे वर्किंग ऑन द चरखा स्पिनिंग व्हील विच ब्रोक द बाउंड्रीज द प्रिवेल्ड विद द ट्रेडिशन द कास्ट सिस्टम बिटवीन द मेंटल लेबर एंड द मैनुअल लेबर.
अब गांधी जी ने एक चीज और यहां पे क्रिएटिव वर्क में आप एक चीज दीजिए, चरखा, या इसको आप मेन पार्ट में लाएंगे, ये तो आप सब बाद में लाएंगे, आप ये लिख दीजिए चरखा, अवे सोसाइटी एंड चरखा। चरखा, चरखा को आप स्पिनिंग व्हील लिखे या चरखा लिखे, दोनों ही बातों में वो सेंस आ जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर गांधी जी के एक्सप्लेन कर सकते हैं। माय डियर, अगेन आई एम सेइंग दैट डिस्क्राइब द गांधी जी एज ए सोशल रिफॉर्मर, तो आप करेंगे यस गांधी जी वाज ए एब्सोल्युटली वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ही फोकस आर ही कंसंट्रेट हिज वर्क फर्स्टली ऑन द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास दैट इज वुमेन एंड देयर एजुकेशन मुस्लिम एंड the their social development, the unity of Hindu and Muslim also you have to mention one point other कि हिंदू और मुस्लिम एकता पे भी गांधी जी बल देते थे। thereafter agricultural society, गांव में रहने वाले लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे उनके लिए चरखा इस तरह स्पिनिंग व्हील का प्रयोग करके उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को डेवलप करना, और फिर इकोनॉमिक वीक सेक्शन पे उन्होंने ध्यान दिया। अब आप इनसे कनेक्टेड लॉन्ग टाइप में आंसर आता है तो आप कह सकते हैं कि द डिप्रेस्ड क्लास के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई, हरिजन नामक पत्रिका निकाली और भी दलितों के साथ मिलकर काम किया, समाज के प्रत्येक वर्ग को उसके साथ रहने के लिए बात कही, अनटचेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा कि एवरीवन इज इक्वल सो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास कास्ट। ओके, गांधी जी स्ट्रिक्टली अपोज द अनटचेबिलिटी, गांधी जी ने अनटचेबिलिटी का विरोध किया। देन आफ्टर the women's and their education, Gandhi ji was the, I mean to say that the prominent follower that the women should be educated, because without education women cannot be developed in society, I mean to say that she can't do anything, वो नहीं कर सकते, और गांधी जी ने women education के लिए बल दिया। साथ ही साथ गांधी जी ने उन चीजों पर ध्यान दिया, women's को जो 1919 में घरों में थी उनको गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस तक लाते लाते घर से बाहर ला दिया ब्रिटिशर्स के अपोज करने के लिए, तो विमेन्स कंडीशन को भी उन्होंने फोकस किया। थर्ड, आपने मुस्लिम यूनिटी पे बात की, मुस्लिम डेवलपमेंट पे बात की, मुस्लिम्स दे आर नो डाउट टू से दैट देयर कंडीशन इज नॉट सो गुड, दे वर इकोनॉमिकली वीक, एंड सेकेंड मैटर इज दैट द यूनिटी हिंदू एंड मुस्लिम बिकॉज बोथ इन इंडिया in a huge amount, so that's why it is very important for the development of India, the unity with Hindu and Muslim. So Gandhi ji urged the Hindu and Muslim that you should cooperate with each other and leave each other or act, आप एक साथ रहिए। Third point, economic weak sections, तो मैंने decentralization की बात की थी, मैंने कहा था कि गाँव में गांधी जी ने क्या किया, Article 14 हमारे संविधान का एक पार्ट है जिसमें गांधी जी इस भावना को रखी गई कि डिसेंट्रलाइज किया जाए पावर को, और क्या किया जाए, वो शक्तियां किसके पास चले जाएंगे, वो शक्तियां गांव के पास भी जाए, गांव भी इन शक्तियों का यूज करें और अपने लोगों का विकास करें। तो इस तरीके से गांधी जी ने तमाम सारे सोशल रिफॉर्मर काम किए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चनों के साथ। गुड बाय, टेक केयर।